300 से अधिक ऐसे अधिकारी है, 15, 16, 18, 20 आज तक जो थी मैं उसकी चालान करने के लिए पुलिस पर बहुत ही लोटा की चलेगी ये जवाब बदलने जनता आपके सामने इसका जवाब है तो पूरा एक और नहीं निर्देश कर गया ये नोटबंदी का दूसरा पार्ट होने लगा ऐसा है मोदी जी है जिस प्रकार के एक नाम हम सुनते पढ़ते थे बच्चे आर्थिक इंडियन में तब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था बादशाह कभी राजधानी दौलताबाद ले जाता था कभी दिल्ली और कहीं से एक और बगल में दिल्ली और पहुंचाता था तो वो मोदी जी उसकी ट्रेनिंग लेके आए जब उनको नींद खुलती है तब रात को 12 बजे कोई कहते हैं जीएसटी चालू एक दिन 8 बजे हम घर से भोपाल से ग्वालियर हमारा एक लड़का है काम करता है रीवा का है ट्रेन हमने कहा जल्दी जाओ 9:45 ट्रेन है तो बोलता साहब आपने देखा नोटबंदी हो गई हमने नोटबंदी पागल है क्या अरे साहब बंद हो गई ये नोट कहीं बंद होता है, है? अरे नहीं नहीं अरे साहब टीवी देखो हम गए मोदी खड़ा कह रहा मोदी खड़े ये नोट है नहीं आज से ये कगज हो गया अब कल आज ये नोट है 1000 के लिए था ये नोट आज से कगज हो गए अब आज नोट रात को फिर कर दिया मैं पूछा जाता हूँ मोदी जी पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के सहकारी बैंकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की काली कमाई आपने गुजरात की बैंकों से माध्यम से जमा की क्या आवश्यकता थी अगर आप थे और आज आप अगर आपने 2000 का नोट चालू क्यों किया और आज फिर बंद करने का क्या कारण है ये देश की जनता के सामने स्पष्टीकरण दें कि हमने इस कारण से 2000 नोट छापे थे और इस कारण से हम आज बंद कर रहे जो देश की करीब 150 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहती है कारण बताइए ये जब मन में आए तब इसे नोट छापने में उस पर जमा बर्बाद करने में कितनी संपत्ति खर्च हुई इसका भी हिसाब दें देखिए बिना सोचे समझे और जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए और मैं ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता पर हमारे देश में तो ज्ञान का भंडार है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी पूरा विश्व सलाह लेता है उनसे आप सलाह ले सकते थे जो आर्थिक जानकारों के अपने आप में बहुत बड़े जानकार हैं आपने बिना किसी की से परामर्श किए बिना किसी से बात किए एक तुगलकी फरमान जारी किया नोटबंदी की लोगों की जान तक गई उस नोटबंदी से हमारे छोटे छोटे व्यापारी आज तक उभर नहीं पाए हैं हमारी अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर लौट नहीं पाई है और आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं नोटबंदी कर रहे हैं हम 1000 रुपये का नोट बंद करेंगे इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 रुपया का नोट चालू करना ये भ्रष्टाचार बंद करना था या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था उसी समय कांग्रेस पार्टी ने और देश के तमाम जो और दुनिया भर के विशेषज्ञ थे उनने कहा था कि ये तो बहुत गलत निर्णय है और इससे बहुत लंबा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होगा पर सुनी नहीं गई ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना काला धन वापस आया अर्थव्यवस्था भी खराब हुई कई लोगों के कारोबार चौपट हो गए और अब सरकार को याद आई कि हमें 2000 रुपये का नोट बंद कर देना चाहिए इससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया तो इसका जिम्मेदार कौन है जो अपनी खुद पीठ थपथपाते हैं उन्हें आज इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि उनके एक गलत निर्णय से करोड़ों लोगों को परेशानी हुई हमारे कई मासूम नागरिकों की जाने गई कई लोगों के व्यापार बंद हो गए और भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरी